लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जब आप देखना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात आती है कि ये जो लॉ है यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेसिस है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, समझिएगा ध्यान से, व्हाट इज द बेसिस ऑफ, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हो गए, मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आए आप लोग, आए मेरे पास कंप्लेन लेके, आपने क्या बोला, मैडम हमें ना बहुत दिक्कत हो रही है, पीछे वाले बच्चे तक आवाज नहीं जाती, आप हम लोग का डिसाइड कर दीजिए ग्रुप अलग अलग 20-20 बच्चों का, ठीक है। तो अब अगर मैं अलग करती हूँ तो आप में से कोई एक उठ के आएगा, बोलेगा मैडम मेरा फ्रेंड उस सेक्शन में, उधर कर दीजिए उधर कर दीजिए, मतलब रोज यही खिचड़ी बनती रहेगी। तो मैं क्या करूंगी, क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जिस बच्चे ने 1 से 20 तक रैंक सिक्योर किया उसको मैं ए सेक्शन में डाल दूंगी। अब 21वां बच्चा उठ के नहीं आएगा, वो नहीं बोलेगा कि मुझे भी ए सेक्शन में जाना है, फिर वो थप्पड़ खाएगा वहां पे। मैं बोलूंगी उसको तुमने पढ़ाई लिखाई की है जो तुमको मैं ए सेक्शन में डाल दू, तो सारी जो प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्व हो गई। तो मैं आपसे पूछूंगी कि वहां पे वो भी सेग्रीगेशन एक तरीके का, मैं आपको अलग अलग सेक्शंस में वहां पे डिवाइड कर रही हूँ, मैंने अपना सेग्रीगेशन वहां पे अप्लाई किया है, और मैं आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका बेसिस क्या था, तो आप बोलेंगे क्लास टेस्ट। ऐसा तो नहीं मैंने इंडियन आइडल का कॉम्पिटिशन करा दिया, गाना गवा के और अलग अलग कर दिया सबको, नहीं, वहां पे मैंने क्लास टेस्ट को बेसिस माना है। तो यहाँ पे भी समझिए मैं बता क्या रही हूँ, यहाँ पे भी मैं वही चीज लिख रही हूँ कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे भी मैं उसी चीज को मेंशन कर रही हूँ, और वही चीज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो यहाँ पे आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक ही बेसिस है कि ये क्या करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है, इस चीज को फॉलो करता है। अगर कल को जाके ये क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील्स बैठे हैं अपनी मर्जी से घूमना स्टार्ट कर दें, इधर सुधर उधर सुधर उधर सुधर उधर सुधर उधर सुधर, फिर आपका हो जाएगा दिमाग खराब, है ना। और ये मेंडल का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, आपको पता ही ये सब मेंडल का काम है, ठीक है। तो उनके कॉन्सेप्ट से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा तो यही बात आपको समझने को मिली थी वहां पे कि अलील्स डू नॉट शो, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होता है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, कोई खिचड़ी नहीं बनाते। सबसे अच्छा इसका जो जीता जागता एग्जाम्पल था वो क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, जहां पे दोनों पेरेंट पिंक कलर के हैं, मदर भी पिंक फादर भी पिंक, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब आप जा रहे हैं तो आपको रेड कलर भी निकल के मिल रहा है, व्हाइट कलर भी निकल के मिल रहा है, याद आ रहा है ना। तो इसका बेसिस क्या है, अलील्स, मतलब फिर से बोलिए मैम, उसमें पेरेंट्स रेड और व्हाइट था, और जो F1 था उसमें पिंक आया था। नहीं समझे, मैंने F2 का बोला, मैंने बोला ना यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला, F2 को मैंने डायरेक्ट बोला, जैसे यहीं पे मैं बताती हूँ, मैंने बोला कि अगर हम दोनों पेरेंट को पिंक लेते हैं, F2 की बात कर रही हूँ मैं, दोनों पेरेंट को अगर मैं पिंक ले रही हूँ, हाँ F1 की बात नहीं मैं कर रही, F2 जब आप बना रहे थे, दोनों को हमने पिंक ले लिया, तो दोनों को पिंक लिया तो यही बना था ना पनेट स्क्वायर, ये देखिए यही दोनों पिंक है, तब भी आपको रेड भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है और व्हाइट भी मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में डायरेक्ट बोल रही थी मैं कि यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात ये है कि आप दोनों पेरेंट को पिंक ले रहे हैं तब भी ये क्या कर रहा है, आपको रेड, ये देखिए रेड भी दे रहा है, व्हाइट भी दे रहा है, पिंक भी दे रहा है, पिंक भी दे रहा है, ठीक है। तो इसका तो यही मतलब है ना कि ये जहां से भी उठ के आया पिंक बन के आया, तो हम सोच रहे थे, हम बड़े खुश हुए, हम बोले अरे वाह हमने तो रेड और व्हाइट को मिला के पिंक फ्लावर बना दिया है, लेकिन इस पिंक फ्लावर के जीन में वैसी कोई मिक्सिंग हुई ही नहीं थी जैसा हम अपने दिमाग में सोच के चल रहे थे, इसने तो दूध का दूध पानी का पानी इधर अलग कर दिया है ना, रेड वाले को अलग कर दिया, व्हाइट वाले को अलग कर दिया। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मेंडल साहब क्या लिख रहे हैं कि ये कोई भी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग को शो करने का काम जो है वो नहीं करता है ना। चलिए, तो फर्स्ट वाली लाइन आपको समझ आ गई, जब दिक्कत आए इसको समझने में तो हमेशा ही आप क्या कीजिएगा, क्या याद कर लीजिएगा
इनकम्प्लीट डोमिनेंस को याद कर लीजिएगा तो आपका जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर ये चीज भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं शो करते हैं। एंड अच्छा, ये रेड किधर से आ गया? एंड इसका साइज भी कम करना होगा। That both the characters बोलिए, फीचर्स बोलिए, बोथ द कैरेक्टर्स और फीचर्स बोल लीजिए, वही बात है। कोई बच्चा ट्रेट्स लिख रहा है और ट्रेड्स एक ही बात है, आर रिकवर्ड जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, किसमें रिकवर हुआ था? F2 में रिकवर हुआ था। तो रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। ठीक है, ये बेसिस है, इसको देख के और उठा के इसको बनाया गया। भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन ये वहां पे कोई खिचड़ी बनाने का काम नहीं कर रहा, ये अपनी मर्जी से कर रहा है। जबकि जबकि इसमें से कोई साबी जो है वो नहीं देखा गया, जैसे पिंक वाले अभी अभी जो मैंने, बिल्कुल सुटेबल एग्जाम्पल है, बिल्कुल फिट होता है इसके ऊपर, है ना। तो जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये नहीं देखा गया था F1 में। F2 जनरेशन में जो रेड और व्हाइट आपने देखा वो F1 में कहीं था ही नहीं, उसका कोई नामो निशान था ही नहीं, तब भी आपको ये क्या हुआ था, नजर आया था F2 जनरेशन में। ठीक है, वाइल या दो जो भी लिखना लिख लीजिए, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज is not seen at the F1 stage, जबकि आपको वो F1 stage में देखने को नहीं मिला था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद है सबको, है ना, ये F1 stage में आपको नहीं दिखा था, फिर भी ये जो है बेचारा उठ के आया और इसने अपने आप को शो और रिप्रेजेंट किया है F2 में। ठीक है, पता है आपको, याद होगा। देन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एक और इंटरेस्टिंग सी बात निकल के सामने आती है। क्या यहाँ पे तो हमने बेसिस लिखा कि इसका बेसिस है क्या। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना, अभी जो मैंने गेमिटोजेनेसिस के बारे में आपको समझाया, तो उसके लिए एक पॉइंट लिख रही हूँ, गेमिटोजेनेसिस के लिए एक पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे। द पेरेंट्स कंटेन द पेरेंट्स कंटेन अब देखिए, जो पेरेंट है, ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम में, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, ठीक है, उसके पास क्या होता है, टू अलील्स होता है। समझिएगा, अभी मैं 2n लिख रही हूँ, 2n को मैं ऐसे लिख रही हूँ, कंटेन टू अलील्स, मतलब क्या हो गया, 2n हो गया। अभी पहले जब वो स्टार्ट कर रहा है तब, लेकिन कब, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटो जेनेसिस और गेमिट फॉर्मेशन एक ही बात है, इसी को बोलते हैं हम लोग गेमिटोजेनेसिस। तो ये क्या हो गया, ठीक है, लेकिन फिर क्या होना है, सेग्रीगेट होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखना है, चुपचाप लिखते जाइए जो जो आपको आता है। ठीक है, हमें पता है कि गेमिट फॉर्मेशन के टाइम में ये क्या होता है, दो अलील को कैरी करता है।
लेकिन मंडल साहब तो फैक्टर बोलते थे द, और उसी के पार्ट थे द फैक्टर्स और एलील्स। ये क्या करेंगे फिर, एलील्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेग्रीगेट। ये समझ रहे हैं लाइन आप लोग, हर एक बच्चे को समझ आ रहा होगा, बट मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी लिख सकते हैं। पेयर अब ये क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, सेग्रीगेट मतलब बंटवारा फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर सच दैट अगेमेट और सेक्स सेल, ठीक है, रिसीव्स, क्या रिसीव करेगा ये, ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, ओनली मतलब कि टू एन से एन हो जाएगा, ओनली वन, इसको क्या हो जाता रहते रहते, ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, मेंडल की भाषा में लिखा जा रहा है, उन्हीं का काम था बेचारे का, है ना। तो दो में से क्या होगा, एक ही यहाँ पे रिसीव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है, लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने? यस मैम। चलिए लास्ट में हम लोग लिख देते हैं, होमोजाइगस हेटरोजाइगस वाला भी केस जो है वो मेंशन कर ही देते हैं। आगे देखिए, अ होमोजाइगस, अ होमोजाइगस पेरेंट produces, homozygous मतलब समझ रहे हैं, which carries similar types of alleles, है ना। तो homozygous parent produces all gametes, कैसे होंगे वो that are similar, that are similar while, मतलब जबकि, while इसका उल्टा कर दीजिए, और heterozygous, heterozygous parent, while a heterozygous parent produces two kinds of gametes, अगर ये हो जाए तो फिर मैं आगे चलूंगी polygenic inheritance पे। ये हो गया, yes ma'am, each, ठीक है, each having one allele with equal proportion, यही तो सीखा है आपने, with equal proportion। चलिए हो गया,
अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा। बेसिक बहुत सीखा आपने, अभी तक बहुत मेहनत करी, मेहनत तो कर ही है पूरे चैप्टर में, बट अब आगे आसान चलेगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वगैरह कुछ कुछ ऐसे जो कॉमनली हम लोगों को एग्जांपल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, वही सारी चीजें निकल के यहाँ पे सामने आएंगे। हो गया मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ती हूँ अब मैं, यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं। ये एक रफ वर्क था पिछली क्लास का। चलिए, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, मोर। हाँ, मोर मेनी पॉली मतलब यही होता है। इसका नाम ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग टर्म दे रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या टर्म दे रहे हैं हम लोग उसको? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे कोई एक कीवर्ड पकड़ के बस उस टर्म को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, और उसके बाद उस टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे हम लोग टर्म क्या देख रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि कुछ हम लोगों के पास ऐसे फीचर होते हैं जिसमें एक गुण को, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूं, एक फीचर को वन कैरेक्टर को, वन फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगे हैं, इस वन फीचर को एक्सप्रेस करने में मल्टीपल जीन्स लगे हैं, मल्टीपल जीन्स। और यही इस मल्टीपल जीन से एक यहाँ पे टर्म निकल के सामने आया है, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। साधारण हिंदी में अगर मैं पहले समझाऊं आपको, जब बहुत सारे जीन्स, फैक्टर्स, अलील्स मिलके एक ही गुण को रिप्रेजेंट करने में लगे रहते हैं तो वैसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस तो आपको पता है, और यहाँ पे एक और टर्म आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज पॉलीजेनिक। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं ऐसे समझाती हूँ। देखिए, एक और तरीका है इसको समझाने का, हो सकता है आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ नहीं आया हो, तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पी प्लांट, ठीक है, और इधर साइड मैंने लिखा ह्यूमंस। इधर क्या लिखा मैंने? ह्यूमंस लिखा है, ठीक है। पी प्लांट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपने जो क्रॉसेस देखे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, वो आपको साफ साफ वहां पे बताया भी जा रहा था। कोई सा भी लॉ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, साफ साफ वहां पे एक बात बोली जा रही थी, क्या? कि पी प्लांट में अगर हम स्टेम हाइट को लेते हैं, आप किसी भी फीचर को ले सकते हैं, दो ही कंट्रास्टिंग फीचर था वहां पे, तो इस स्टेम हाइट में आपको दो ही वैरायटी मिलेगी, चाहे तो टॉल हाइटेड प्लांट्स मिलेंगे या फिर शॉर्ट प्लांट मिलेगा। याद आया? यस और नो? Yes, ma'am. है ना, यहाँ पे टॉल प्लांट मिलेगा और यहाँ पे शॉर्ट या ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा ह्यूमन की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेम हाइट लिया है ना हमने पी प्लांट का, ह्यूमन का भी हाइट लिख देती हूँ। ह्यूमन का क्या लिख देती हूँ? हाइट। अब आप मुझे आंसर बताइए, हम लोग यहाँ टॉल ड्वार्फ करते हैं क्या? No, ma'am. यहाँ तो हम लोग नहीं, ये एरो पता नहीं कितना खींचना पड़े, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। कभी कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा रहा है, कौन सा इंसान है पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा लंबा इंसान है? इधर ही मैं देख रही थी, फैक्ट्स में दिखा रहे थे यूट्यूब पे, है ना। तो बेचारे को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हर चीज में। सबसे लंबा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे लंबा है, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ, ठीक है। तो हाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत छोटा भी है, वैसे भी बहुत सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तो इतने हाइट है कि हम काउंट करते करते थक जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं बोल दिया कि सीधा 5 फिट, सीधा 6 फिट, वही 5, कोई है 5 फिट का, कोई 5 फिट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 3.5 इंच भी चलता है यहाँ पे। तो कितने हाइट है यहाँ पे, बात समझ आ रही है आपको? यस और नो? यहाँ पे ऐसा वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम यहाँ पे ह्यूमंस के केस में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीपल जीन्स में आपसे नीट में क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन फीचर। आपको लिखा रहेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नॉर्मल इनहेरिटेंस, बैक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोपिज्म। तो किस पे टिक करना है आपको? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। कॉन्सेप्ट तो हो तभी तो टिक कीजिएगा, है ना? चलिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है हाइट का, ठीक है? दूसरा एग्जांपल है ह्यूमन में ही स्किन कलर देखिए। ह्यूमन में क्या देखना स्टार्ट कीजिए? स्किन कलर देखना। कितने स्किन कलर है कोई बता सकता है काउंट करके? कोई नहीं बता सकता है। जब हम लोग स्किन कलर की बात करते हैं तो कितने स्किन कलर हैं, इसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जो हमारे इंडिया में जो सबसे गोरा है वो अगर चला जाए ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे काला हो जाएगा, है ना? वहां पे दूसरी डेफिनेशन होती है। आई लैशेज भी ब्राउन, हेयर भी व्हाइटिश टाइप का, ब्राउन भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही लाइट कलर का होता है, क्रीमी कलर का हो जाता है, चेंज हो जाता है वो सब कुछ। तो पूरे वर्ल्ड वाइड, हाँ, जब हम लोग पूरे बायोस्फीयर पे देखना, स्किन कलर की भी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई बोली कोई लिख ही नहीं सकता अपनी डायरी में, या कोई रिसर्च बना के मैंने गिन लिया है इतना ही स्किन टोन होता है दुनिया में, या कोई ऐसा बोल दे मैंने काउंट कर लिया इतने ही हाइट होते हैं दुनिया में, कोई नहीं बोल सकता। तो गुण तो एक ही है ना, यहाँ पे तो स्टेम हाइट वन फीचर था और यहाँ पे ह्यूमन का हाइट एक फीचर है। तो फीचर तो एक ही है लेकिन जीन्स इतने इतने सारे तरीके के घुसे पड़े हैं इसमें कि इंसान का दिमाग खराब हो जाए सोचते सोचते कौन सा जीन किस में लगाए किसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है? तो जो मैंने आपको ये साधारण भाषा में समझाई है तो ये कुल मिला के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब आया समझ में? समझ में आया? यस मैम। Yes, है ना? Yes. समझ में आ गया? हाँ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। समझ आ गया तो मैं लिख ही देती हूँ, थोड़ा सा लिखना भी जरूरी है। चलिए, आज तक मैंने जितने बैचेस कराए हैं ना, मतलब मैं तो कई बार 10 बार बोल चुकी कम से कम इस बैच में, उसमें मैं ऐसे बस रफ करके समझा के छोड़ देती थी, बच्चे खुद ही नोट्स बनाते थे। जैसे आप लोगों ने भी बहुत सारे चैप्टर्स में किया है, मैंने काफी कम लिखा था, फोटोसिंथेसिस वगैरह में नोट्स वोट्स आप ही लोगों ने बनाया था, बट अभी है काफी टाइम तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बैच में मेहनत करके भी देख लेती हूँ। हो सकता है कि सब कहीं ना कहीं कुछ रैंक सिक्योरी कर रहे थे, हो सकता है आप में सबका 600+ आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना? मैंने सोचा अच्छा ठीक है, एक ऐसा भी बैच तैयार करके देखते हैं जहाँ पे एक एक चीज मैं आपको दे रही हूँ तैयार करके। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या है ये? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके नाम से याद रखिएगा हमेशा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, कीवर्ड क्या है इसका? क्या पकड़ा आपने, क्या कैच किया बताइए? इसका जो कीवर्ड है वो आपने के, हाँ, मल्टीपल जीन्स, हाँ, मल्टीपल जीन्स वन फीचर, मेनी जीन्स वन फीचर। अभी 5 बार बैठे बैठे बोल लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? इसका जो कीवर्ड आपने यहाँ पे कैच किया है दैट इज मल्टीपल जीन्स वन फीचर। तो ये जब आपको याद रहेगा तो उससे क्या होगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसको एक्सप्लेन करने में। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस
refers to the kind of the kind of inheritance in which the trait is produced, in which the trait is produced from the cumulative effects of many genes. In contrast to मतलब उसके बिल्कुल उल्टा है, किसके जो हम लोग मेंडल वाला देख रहे थे उसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे थे, खैर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो दूसरी चीज है। इन कॉन्ट्रास्ट टू वो मेंडल वाला क्या था, मोनोजेनिक लिखा नहीं है कई जगहों पे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, उसका उल्टा है ये inheritance in which the trait results from the expression of one gene. Or one gene pair. मतलब अलील के बारे में बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये केस बिल्कुल और टोटली जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। मतलब इसी में और लिख देती हूँ एग्जांपल वगैरह जो है। चलिए पहले तो मैं उसी का लिख देती हूँ जो मैं आपको आपकी हाइट का बता रही थी, ह्यूमन हाइट का, यहाँ पे वही लिख लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल in case of humans हम लोग क्या नहीं है, सिर्फ शॉर्ट और टॉल नहीं है। ठीक है, इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट have
tall or short people, short people as two distinct alternatives but a whole range of possible heights चलिए ठीक है, हाइट का एक हो गया, एक इसको लिख लीजिए. चलो यहाँ तो अभी भी बारिश हो ही रही है थोड़ी थोड़ी. हाइट का एक लिख लिया आपने. नेक्स्ट स्किन कलर का लिख देती हूँ, ठीक है. और ऐसे जो ट्रेट है नोट करके लिख लीजिए. एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे. सच फीचर्स और कैरेक्टर्स, सच फीचर्स और ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय, ये एक्सप्रेस्ड बाय, कुछ भी लिखिए एक ही बात है. Controlled by three or more genes are thus called as polygenic inheritance, ठीक है. Polygenic और ऐसे जो गुण होंगे ना, ऐसे जो traits होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? Polygenic traits बोलेंगे, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? आवाज जा रही है मेरी? Yes ma'am. Yes ma'am. चलिए ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. ये तो जो आपने सीखा है उसी चीज को आप यहाँ पे देख रहे हैं. अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, अगर कल को आपसे जाके पूछा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है या नहीं होता है, तो क्या आंसर दीजिएगा? यस मैम. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, होगा ना? हाँ yes, बिल्कुल ma'am. होगा. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इसके ऊपर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है ना. एनवायरमेंट जो है बहुत बड़ा मतलब वहां पे रोल प्ले करता है. जैसे कश्मीर उठा के रख दीजिए किसी को, कई बार मैंने इस पे डिस्कशन करी है आपके साथ, तो जो उसका स्किन टोन है एटलीस्ट थोड़ा सा तो ब्राइटर हो ही जाएगा. और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि चिक्स जो है रेड हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वहां पे आरबीसी का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. ऐसा नहीं कि कुछ वहां पे ऐसे ही बिना रीजन का कोई भी बैठ गया तो वो जाके गोरा हो जाएगा. वहां पे रीजन ये है चिक्स के रेड होने का, वहां पे ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी है, ऑक्सीजन की कमी है. जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन कम होता जाता है वहां पे, ठीक है. तो क्या होगा, आरबीसीज भागते हुए आपके स्किन के बाहरी सरफेस पे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ खुद को कंबाइन करने के लिए. आरबीसी बेचारे का तो वही काम ही है. तो आरबीसी के एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो रेड दिखने लगता है. वहां का स्किन काफी पतला होता है जिसकी वजह से दिखता है.
तो अगर कभी आपसे पूछा गया, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, लिख लीजिए ऐसे करके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। अब अभी आपका जो स्किन टोन है, किसी बिल्कुल गर्म जगह में चले जाइए, वहां पे रहना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो वहां पे रहने के बाद क्या होगा, आपका स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा, तो फर्क पड़ता है इसका। तो एनवायरनमेंट जो है इसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। एक फटाफट हम लोग लिख के खत्म करते हैं इसको, स्किन टोन का जो एग्जाम्पल है उसको लिखिए, फिर स्टोरी ओवर, नेक्स्ट लिख लीजिए। Human skin color, ये तो सबसे पहले शुरुआती टाइम से ये हाइट और स्किन कलर इन्हीं दोनों को पढ़ा जा रहा है। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है इज अनदर इम्पोर्टेंट important and classic example of this, क्योंकि एक ही कलर नहीं है, बहुत सारा है, हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते कि कितना कलर होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, स्किन कलर हो गया, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया सबने, हो गया मैम। चलिए ठीक है, अब देखिए एक दूसरा फेनोमेना है यहाँ पे हम लोगों के पास, प्लियोट्रॉपी है। क्या है? प्लियोट्रॉपी है, ठीक है, उसको ही पढ़ना स्टार्ट। इसमें क्या सीखा आपने, इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बेसिक बात बोलनी है। वैरायटी ऑफ जीन्स, मेनी जीन्स, मोर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन फीचर, ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज है, उल्टा कर दीजिए इसका, इसका जब उल्टा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उल्टा माना जाता है प्लियोट्रॉपिज्म को। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे फेनोटिपिक एक्सप्रेशन करेगा, तो वन जीन मल्टीपल एक्सप्रेशन, शॉर्ट में उसका कीवर्ड क्या याद रखना है आपको, मल्टीपल जीन, मतलब वन जीन मल्टीपल एक्सप्रेशन, तो वो हो जाएगा आपका प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज प्लियोट्रॉपी, प्लियो ट्रॉफी मत लिख लीजिएगा, प्लियोट्रॉपी है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को पीएच वाई लिखते हुए, ओनली प्लियोट्रॉपी, और ट्रेड्स को ट्रेड लिख देते हैं, वो ट्रेड वाला मार्केटिंग वाला जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, शॉर्ट में पहले तो कीवर्ड याद रखिए, कीवर्ड क्या है इसका, कीवर्ड ये है और सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, क्या करेगा ये, मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करने का काम करेगा।
एग्जिबिट मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन. बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मतलब समझ रहा है ना, बहुत सारे गुण. ठीक है, अब वैसे जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे जीन को हम लोग नाम दे देते हैं, कहते हैं चलो तुम्हारा नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन. ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेस करने वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, सच. मैम इधर भी क्या हुआ, फिर से बोलिए. सच बोले आंधी तूफान इधर भी आ गया. हाँ, भी वो जाएगा ही, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा ही होगा. सच अ जीन कैन एग्जिबिट, इधर से वो जाता है ना अपने फ्लो में, तो जैसे 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 कैसे बारिश के केस में आपने देखा होगा कि भाई आंखों के सामने उधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा है, देखा होगा ना आप लोगों ने, वैसे इसका भी होता है, धीरे धीरे करते करते मूव करता जाता है. हाँ, सच अ जीन इज, अच्छा मैं भूल गई, मैं लिख क्या रही थी, सच अ जीन इज कॉल्ड होगा यहाँ पे इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, अ प्लियोट्रॉपिक जीन, कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक. वो तो मुझे लगा ही नहीं था कि आज क्लास कनेक्ट हो पाएगा, मुझे पता था वाईफाई कटेगा, तो आज तो फोन से कनेक्ट करके मैं पढ़ा रही हूँ. इतनी आधी तूफान में तो मुश्किल है कि कुछ काम करे ढंग से, बट फिर भी क्लास हो गई आपकी, बहुत बड़ी बात है. फेनोटिपिक प्लियोट्रॉपिक जीन, बीच बीच में चलना बंद कर देता है ना, उससे भी थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है. PLEIOTROPIC, pleiotropic gene. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, pleiotropic gene. इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका एग्जाम्पल लिखते हुए, और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसके. ठीक है, देखिए एक डिजीज है, किताब में आपके पास अलग से एक पैरा दिया हुआ है, आपको पढ़ना है उसको डिसऑर्डर के अंदर. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में एक बेसिक एग्जाम्पल आता है, किस चीज का एग्जाम्पल है इसका, उसका नाम है डिजीज फिनाइल किटोन्यूरिया. बहुत आसान है, मैं समझा रही हूँ, कहानी समझिए. डिजीज कौन सा है, डिजीज का नाम है फिनाइल किटो न्यूरिया. अब एक समझिए, और फिनाइल किटो न्यूरिया इन ह्यूमंस कर देती हूँ, ऐसे ह्यूमन के अंदर की ही बीमारी है ये, सबको नहीं होता है, ऐसा नहीं है, डिसऑर्डर है. ठीक है, ह्यूमन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है. अगर आपसे कोई पूछे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एग्जांपल तो मैंने लिखा है, कहाँ से स्टार्ट करूं, ऐसे कर देती हूँ, फिनाइल किटोन्यूरिया में नीचे एरो दे देती हूँ और यहाँ पे कॉज लिखती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि इसी का कॉज मैंने लिखा है. ठीक है, पूछा जाता है ये भी नीट के एग्जाम में, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज फिनाइल किटोन्यूरिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये सिर्फ क्या होता है, म्यूटेशन इन द जीन, किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन
इन द स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन ठीक है। और यहाँ पे ये जो म्यूटेशन हुआ है तो क्यों इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जीन है जिसमें आपने क्या किया है म्यूटेशन कराया है, तो जिसमें आपने म्यूटेशन कराया है तो जब इसमें म्यूटेशन होगा तो फिर क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक जीन है ये किस चीज के लिए कोड करता है, इधर देखिए ये जो स्पेसिफिक जीन है ये कोड करता है एन एंजाइम और उस एंजाइम का नाम क्या है। अब देखिए डिसऑर्डर क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यहां से एंजाइम का नाम याद रखिए, एंजाइम का नाम क्या है आपके पास, फिनाइल अलानीन, अलग अलग लिख लीजिए, फिनाइल PHENY मिस हो गया वहां पे, फिनाइल अलानीन, हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज ठीक है। अब देखिए तो ये एंजाइम करता क्या होगा, अभी तो ये क्वेश्चन राइज होगा ना आपके दिमाग में, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पहले कहानी आपको समझ आई, ये एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमंस में होती है, उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, कैसे होता है, एक स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन होता है, उससे क्या होगा, तो ये स्पेसिफिक जीन जो है वो एंजाइम बनाता था, उस एंजाइम का नाम था फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज ठीक है, एंजाइम का नाम क्या था, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, ये एंजाइम बनना जब बंद हो जाएगा ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, इस स्पेस में एक है मेरे ख्याल से, एक डायग्राम लगाया जा सकता है, इतना याद रखिएगा, मैं अलग से एक और पेज करके मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद दिलाइएगा, असाइनमेंट क्वेश्चन लिखूंगी एक फोटो लगा के, आप लोग मुझे खुद ही याद दिला दीजिएगा, कहिएगा कि मैडम फिनाइल कीटोन्यूरिया की डिटेलिंग बता दीजिए ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ना एक पैरा है छोटा सा एनसीईआरटी में आपका ठीक है, हो सकता है किसी ने फोटो में लगा दिया होगा तो अच्छी बात है, आपके पास यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, नॉट सिम्टम्स, और इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं ये क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन को लीड करता है। एक तो मैंने काफी पहले एक लगाया था, पिछले बैच का एक नोट्स होगा, मैं देखूंगी उसमें होगा, और ये है शायद, देखिए अभी शॉर्ट में समझाऊंगी बस, ज्यादा नहीं इसकी डिटेलिंग करूंगी, मैं आपको नेक्स्ट डे समझा दूंगी जब भी होगी क्लासेस की, उठा के लाती हूँ, बेचारा पेज पता नहीं कहाँ हवा में जा रहा है, चला गया, ये किधर ऊपर मूव कर गया इसको, अच्छा पेज का साइज और जूम हो गया, चलिए इसको देखिए, एक कहानी सुन लीजिए छोटी सी, ये है यहाँ पे लगा हुआ, अब आप मेरे से सुनिए मैं जो बोल रही हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया में अभी अभी मैंने क्या लिखा है, एंजाइम का नाम लिखा है ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि इसमें होता क्या है, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो गायब हो जाता है ठीक है, बाद में हम करेंगे इसको ठीक है, अभी समझ लीजिए, देखिए तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, एक एमिनो एसिड है फिनाइल अलानीन, याद है सबको नाम, याद है कुछ हो या ना हो, फिनाइल अलानीन नेम तो एटलीस्ट
सुना हुआ लग रहा होगा सबको। अब ये फिनाइल अलानीन जो है, ऐसे समझिए यहाँ पे फिनाइल अलानीन जब क्या होगा, ये फिनाइल अलानीन को बदलना चाहिए टायरोसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ देखिए फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, इधर देखिए फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब पहले ये होना चाहिए था, इधर वाला पार्ट जो है इसने क्रॉस कर दिया है। ये सब क्या लिखा है मैं सब बताऊंगी आपको, इसको हटा दीजिए, इधर की कहानी खत्म कर दीजिए। उसके बदले में क्या होता है, ये फिनाइल पाइरुवेट, यानी फिनाइल पाइरुवेट का ही दूसरा नाम है फिनाइल पाइरुविक एसिड। एक रफ वर्क से समझिए, इतना ड्रामा रहने दीजिए। ये देखिए मैं आपको साधारण भाषा में समझा रही हूँ, अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल अलानीन। कोई दिक्कत, अमीनो एसिड का नाम क्या है, फिनाइल अलानीन। इसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए, इसको टायरोसिन में हमारी बॉडी में। अभी आप लोग सब नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा, मतलब हमारी बॉडी का ये जो फेनोमेना है, ये मेटाबॉलिज्म है, ये ठीक है। क्यों ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी बॉडी में वो जीन प्रेजेंट है जो फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है। क्लियर है, यस और नो? अगर ये एंजाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आप गुड लक है आपका कि आपकी बॉडी में फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है, मौजूद है। लेकिन अगर हम इधर की कहानी खत्म कर दे, तो जब अगर फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज यही खत्म हो गया तो फिर स्टोरी ओवर। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे कि ये जो फिनाइल अलानीन है, ठीक है, ये फिनाइल अलानीन, अब इसको क्या हो गया, रहते रहते कुछ हो जाता है, एक मिनट डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करती हूँ। हाँ, तो ये जो फिनाइल अलानीन है जिसने उसको क्या लिखा है, फिनाइल पाइरुवेट, उसका दूसरा नाम है फिनाइल पाइरुविक एसिड, वो कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में किसमें, फिनाइल पाइरुविक एसिड में, ठीक है। इसका जो है क्या होता है, डिपोजिशन होता चला जाता है एंड दैट लीड्स टू, दिमाग खिसक जाएगा उस बंदे का, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, बट इट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। कहानी समझ आई, ठीक है, है ना? अब चलिए मैं, हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चन लिख देती हूँ, बहुत डिटेलिंग है इसकी, हम लोग करेंगे, यही सारी चीजें हैं, उसको बेसिक तरीके से लिख दूंगी मैं। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिए, आज तो हो ही जाएंगे असाइनमेंट क्वेश्चन, कुछ भी हो, कितना भी मैं पढ़ाऊं, 10 तो दे ही देती हूँ आपको असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? सेकंड क्वेश्चन लिखिए, ऐसे कर लीजिए, राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, गिव एंड एक्सप्लेन, गिव एंड एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ
एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म. प्लियोट्रोपिज्म फोर्थ क्वेश्चन लिखिए. इसी को फिनाइल कीटोन यूरिया को लिखना है आपको, है ना. तभी मैंने जितना आपको समझ आया उसको एक्सप्लेन कर दिया है. इन ह्यूमन बॉडी विच एंजाइम कन्वर्ट्स फेनाइल अलानिन इंटू टायरोसिन. नाम बोलिए. चलिए ठीक है. हाइड्रोक्सिलेज. देखिए यहां से नाम है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज लगा देना है बस. फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए. Explain two important examples of polygenic inheritance. Polygenic inheritance. Sixth question लिखिए. Which cell division is involved in gametogenesis? Example, मतलब आंसर पता है आपको. मियोसिस. सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए. Write a note on disease फिनाइल. अच्छा नहीं, ये तो हो ही गया प्लियोट्रोपिज्म, इसको चेंज कर देते. एक मिनट, एक ही क्वेश्चन हो गया थर्ड और ये जो है ये एक ही क्वेश्चन हो गया. इसको मैं ऐसे कर देती हूँ. मेंशन द कॉज ऑफ, तो सिंगल जीन म्यूटेशन बस लिख लेना है आपको. मेंशन द कॉज ऑफ PKU बोला जाता है इसको शॉर्ट में. फिनाइल तो म्यूरिया सिंगल जीन म्यूटेशन लिख लीजिएगा. एट क्वेश्चन लिखिए. व्हाट इज द बेसिस ऑफ ये मैंने लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हुए. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाइन्थ लिखिए. हु प्रपोज्ड
यहाँ पे भी मेंडल का ही नाम आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टेंथ लिखिए एंड लास्ट क्वेश्चन। Give an appropriate term for give an appropriate term for the phenomena of expression of single phenotype by multiple genes, by multiple genes, एक ही वर्ड बचा है इसको क्या हो गया, by multiple genes, multiple